Hello everyone, welcome back to SS classes. Today I will discuss the next topic of chapter number 6, which is the biology, human circulatory system. In this chapter we learn about today heartbeat. So let's start. The rhythmic contraction and relaxation of auricles and ventricles is known as heartbeat. जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना होता है और रिलैक्सेशन मतलब होता है रिलैक्स होना, मतलब फैलना. तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है हमारी ऑरिकल्स का एंड वेंट्रिकल्स का, उसे हम बोलते हैं हार्ट बीट. और ये कहाँ होता है? हमारे हार्ट में होता है. तो जो भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारी हार्ट में, रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स का या ऑरिकल्स का, उसको हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं. ये सिंपल सी डिफिनेशन है हमारे हार्ट बीट की. नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स इन वन मिनट इज़ कॉल्ड हार्ट बीट रेट. और एक मिनट में हमारा हार्ट जितनी बार बीट करता है, जितनी बार धड़कता है, उसे हम लोग हार्ट बीट रेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हार्ट बीट रेट. एक नॉर्मल पर्सन जो होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन जो होता है, उसकी जो हार्ट बीट होती है लगभग अबाउट 72 टाइम्स होती है पर मिनट्स. वन हार्ट बीट्स इंक्लूड. ठीक है, तो एक नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन होगा उसकी जो हार्ट बीट होगी वो कितनी होगी एक मिनट में? एक मिनट में उसका हार्ट कितनी बार बीट करेगा? 72 टाइम्स बीट करेगा. यहाँ पर हार्ट बीट रेट का ये रेट बताया गया है कि एक कोई भी हेल्दी पर्सन है उसका जो हार्ट है वो एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करेगा या धड़केगा. तो हार्ट बीट जो होती है वो इंक्लूड होती है दो फेजेस में. एक होता है सिस्टोल, दूसरा होता है डायस्टोल. तो व्हाट इज़ द सिस्टोल एंड व्हाट इज़ द डायस्टोल डिस्कस अबाउट. ए फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल कॉल्ड सिस्टोल. जब हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, हार्ट में मसल्स का, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोल. उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं. ए फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स कॉल्ड सिस्टोल. जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है तो उस फेज को हम बोलते हैं सिस्टोल. ए फेज ऑफ रिलैक्सेशन, जब हमारा हार्ट क्या करता है, रिलैक्सेशन मोड में जाता है यानी फैलता है, तो उसे उस समय हमारी हार्ट मसल्स जो होती हैं वो डायस्टोल प्रोसेस कहती हैं या फिर जनरल पॉज करती हैं. तो ड्यूरिंग द डायस्टोल द हार्ट रिसीव ब्लड. डायस्टोल जो प्रोसेस होता है यानी जब रिलैक्सेशन होता है हार्ट मसल का, तो जो ब्लड होता है वो क्या होता है, रिसीव किया जाता है ड्यूरिंग सिस्टोल. सिस्टोल से इट पम्प ब्लड इन टू ब्लड वेसल्स. और उसके बाद ये पंप करता है, ये ब्लड जो होता है वो पंप करता है ब्लड वेसल्स में, जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ये ब्लड को पंप करता है. फिर है हमारा कार्डियक साइकिल. द इवेंट दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल दैट ऑकर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट फ्रॉम वन कार्डियक साइकिल. तो जो इवेंट होता है सिस्टोल एंड डायस्टोल का, सिस्टोल मतलब रिलैक्सेशन एंड डायस्टोल मतलब सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन. जो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है सिस्टोल एंड डायस्टोल का, ऑकर ड्यूरिंग टू वन हार्ट बीट, वन हार्ट बीट के दौरान यानी कि एक मिनट के दौरान, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल. क्या बोलते हैं उसको हम? कार्डियक साइकिल बोलते हैं. ठीक है, तो जो भी इवेंट होगा हमारा सिस्टोल में और डायस्टोल में हार्ट एक हार्ट बीट के दौरान, तो उसे हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल. इट इज़ कम्प्लीट इन 0.8 सेकेंड. ये कम से कम 0.8 सेकेंड में लगभग मतलब कम्प्लीट हो जाती है हमारी एक कार्डियक साइकिल जो होती है वो कम्प्लीट हो जाती है 0.8 सेकेंड में. फिर है हमारा ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर जो होता है वो प्रेशर होता है एग्जर्टेड बाई द ब्लड ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरीज. ब्लड प्रेशर क्या होता है? इज़ द प्रेशर ऑफ एग्जर्टेड बाई द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज. जितनी भी जो प्रेशर पड़ता है हमारी आर्टरीज पर उसको बोलते हैं. इट इज़ मेजर्ड बाई द स्फिग्मोमीटर. इसे किससे मीज़र करते हैं? स्फिग्मोमीटर से मीज़र करते हैं. ये आप लोग याद रखिएगा कि ब्लड प्रेशर को हम लोग किससे मीज़र करते हैं? स्फिग्मोमीटर से. ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाईएस्ट कब होता है? जब हमारी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड पंप करती हैं ब्लड को आर्टरीज में. उसके बाद इसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर भी बोलते हैं. ब्लड प्रेशर जो होता है लोएस्ट तब होता है जब हमारी वेंट्रिकल रिलैक्स करती हैं, इसे हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं. तो नॉर्मली सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है अबाउट 120 माइक्रोमीटर होता है मरकरी, एंड नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर 80 माइक्रोमीटर ऑफ मरकरी होता है. अगर उससे थोड़ा कम हो रहा है या थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मोर हो रहा है या लेस हो रहा है, तब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत कम है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर. तो ऐसा होता है ना कि बहुत सारे आजकल तो नॉर्मली हो गया है कि बहुत सारे लोग इस बीमारी से मतलब तरीके से ग्रस्त हैं, जो ब्लड प्रेशर का नॉर्मली बढ़ जाना या फिर कम हो जाना. तो जो प्रेशर होता है हमारी आर्टरीज़ का, अगर वो हमारी आर्टरीज़ और वेंट्रिकल सही तरीके से काम नहीं कर रही होती, तब इस तरीके का फंक्शन होता है कि मतलब
कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। तो मीजरिंग, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है इस डायग्राम में, मीजरिंग ब्लड प्रेशर बाय द स्फिग्नोमीटर। इस तरीके का स्फिग्नोमीटर होता है जिसमें हार्ट पर बाइंड किया जाता है, रख किया जाता है, और उसके बाद उसको पंप करते हैं और पता लगाते हैं कि हार्ट बीट हमारी कैसे चलती है, उसमें मतलब क्या प्रोसेस है, वो कम चल रही है, ज़्यादा चल रही है, क्या उसमें मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर कम है, तो इस तरीके की प्रोसेस से पता चल जाता है। ठीक है, फिर है हमारा लव्ड अप साउंड ऑफ हार्ट। तो व्हाट इज़ अ लव्ड अप साउंड ऑफ हार्ट? प्लेस योर ईयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट और योर फ्रेंड। हम सभी को पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हम अपनी हार्ट बीट नहीं सुन सकते लेकिन किसी और की हार्ट बीट सुन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लेस योर ईयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट ऑफ योर फ्रेंड। आप किसी अपने दोस्त के या फिर किसी अपने घर वालों के क्या करेंगे, अपने चेस्ट मतलब उनके जो लेफ्ट साइड में चेस्ट पे क्या करेंगे, ईयर लगाएंगे, अपना कान लगाएंगे। यू विल हीयर लव्ड अप साउंड। तो आपको एक साउंड दिखाई, साउंड सुनाई देगा जो लव्ड अप साउंड होता है, ऐसे पंप की तरह लव्ड अप साउंड होता है। तो इससे जो होता है इन द फेज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड कस्पिड वॉल्व क्लोज। तो लव फेज में क्या होता है, वेंट्रिकल क्लोज होती हैं, है वेंट्रिकल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ती हैं, और जो वॉल्व कस्पिड वॉल्व होती है वो क्लोज हो जाती है ना। और डब साउंड क्या होता है, डब साउंड में हमारे क्या होता है कि इसमें जो डब फेज में पल्मोनरीज एंड आर्टरी वॉल्व जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं। एक नॉर्मल हार्ट का जो होता है पेशेंट होता है, एक नॉर्मल हार्ट जो होता है रिपीट्स करता है लव डब साउंड अबाउट द 72 टाइम्स पर मिनट, यानी ये भी क्या होता है पर मिनट 72 टाइम्स बीट करता है। डॉक्टर जो होते हैं स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं हमारे हार्ट के लव डब साउंड को सुनने के लिए। आपने देखा होगा जब कभी आप डॉक्टर के पास गए होगे तो उन्होंने क्या करते हैं, सबसे पहले वो स्टेथोस्कोप निकालते हैं और उसको अपने कान में लगाते हैं और आपका जो ये वाला पुश वाला चीज़ है उसको आपके चेस्ट में लगाते हैं ना, आपके चेस्ट में या बैक में लगा के चेक करते हैं कि आपका साउंड कैसा आ रहा है, लव डब साउंड मतलब कैसा आ रहा है। तो उस हिसाब से वो बताते हैं, डिस्कस करते हैं आप बीमार हैं या नहीं। तो इसी तरीके से आपको ये इसका मेज़रमेंट याद रखना है कि डॉक्टर जो होते हैं वो स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं हमारे ही लव डब साउंड को सुनने के लिए, हियर करने के लिए। फिर है पल्स। तो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट कॉजिंग ब्लड फ्लो द आर्टरीज कैन बी फेल्ट रेगुलर जर्स कॉल्ड पल्स। तो जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, ठीक है, वो एक ब्लड फ्लो को आर्टरीज को मतलब एक फेल्ट कराता है रेगुलर जर्स, मतलब उसका जो रेगुलर मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें वो लगातार क्या होता है चलती रहती है हमारी आर्टरी से वो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्स। ईच जर्क मार्क द बिगनिंग ऑफ न्यू पल्स। ठीक है, हर जर्क जो होता है वो मार्क करता है कि अब न्यू पल्स लेट आने वाली है। द पल्स कैन बी फिल्ड द फिंगरप्रिंट प्रेशर ओवर द रेडिएटरी आर्टर द ब्रेस्ट। हम अपनी पल्स रेट को खुद से फील कर सकते हैं अगर हम अपनी फिंगरप्रिंट्स को प्रेस करें रेडियल आर्टरीज में और विड्स मतलब अपनी कलाई के ऊपर, इस तरीके से अपनी फिंगर को, दो हमारी फिंगर हैं ये बीच की, इनको हम क्या करेंगे, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए मेरी दिख रही है आपको पल्स रेट, यहाँ पे इसको फील करेंगे तो यहाँ पर आपको फील होगा, ये आपको पंप होते हुए सुनाई देगी। तो इस तरीके से चेक करते हैं, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं तो हम फील कर सकते हैं अपनी पल्स रेट को खुद, इसी को बोलते हैं पल्स रेट। ठीक है, द नंबर ऑफ पल्स इन वन मिनट। तो वन मिनट में जो पल्स का नंबर होता है पल्स, उसे हम बोलते हैं पल्स रेट। तो ये पल्स जो रेट जो होती हैं इक्वल होती हैं हार्ट बीट रेट के। आपको ये याद करना है कि पल्स रेट जो होती हैं वो इक्वल होती हैं हार्ट बीट रेट के। इट इज़ 72 टाइम्स पर मिनट इन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन। किसी भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 72 टाइम्स एक मिनट में 72 टाइम्स ये जो हमारी पल्स रेट होती हैं वो चलती हैं। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है इसमें यही बताया गया, जैसे मैंने आपको बताया अपनी दो फिंगर को यहाँ पर रखकर चेक करना है कि पल्स रेट कितनी चल रही है। आप टाइमर लगाकर चेक कर देते हैं आपकी एक मिनट में आपकी पल्स रेट कितनी 72 टाइम्स चल रही है, नहीं 72 टाइम्स अगर चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि आप एक हेल्दी पर्सन हैं। ओके, फिर चलिए हम लोग चेक पॉइंट को फिल कर लेते हैं। देखिए चेक पॉइंट में वही सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। द अपर टू चैम्बर ऑफ हार्ट, जो अपर टू चैम्बर होते हैं हार्ट के वो क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स। इसमें आप लोग क्या भरेंगे, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स। इट इज़ द इक्वल टू हार्ट बीट रेट। हार्ट बीट रेट के कौन इक्वल होता है, अभी मैंने पढ़ाया पल्स रेट, पल्स रेट हार्ट बीट रेट के इक्वल होती है। द वॉल्व डैट गार्ड द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इंस्टू वेंट्रिकल। वो वॉल्व जो क्या होती है, जिसकी ओपनिंग होती है राइट एट्रियम इंटू वेंट्रिकल्स में, उसे हम लोग बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वॉल्व। द इंस्ट्रूमेंट यूज बाई डॉक्टर टू हियर हार्ट बीट, वो इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर यूज़ करते हैं हमारी हार्ट बीट को सुनने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप।
द ब्लड वेसल्स डैट रिसीव ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, वो ब्लड वेसल्स जो रिसीव करती हैं ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल्स. क्या बोलते हैं? लेफ्ट ऑरिकल्स. तो इस तरीके से हम लोग का ये जो तीनों टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है. बस एक पार्ट और बचा हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे. और अगर आपको मेरी हेल्प वीडियो जो है थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू. कीप वॉचिंग.